आज वडोदरा से नामांकन दाखिल करेंगे नरेंद्र मोदी। सुरक्षा के बड़े तामझाम, सुबह 9:15 बजे दिल्ली से वडोदरा पहुंचेंगे मोदी, उसके बाद नामांकन के लिए निकलेगा मोदी का जुलूस। कुल 1100 पुलिस वालों की फौज करेगी मोदी की सुरक्षा, 4 SP और 10 DPs रहेंगे मौजूद। कलेक्टर के ऑफिस के पास से हटाई गई सारी गाड़ियां, मोदी के रूट में किसी भी गाड़ी की एंट्री पर बैन, पूरे रूट पर मौजूद दुकानों और घरों में रहने वालों की पुलिस ने तैयार की लिस्ट। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का विवादास्पद बयान, मजहब के नाम पर फौज को बांटने की कोशिश। इसलिए बात मत करो कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नवाए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। अमित शाह से एक कदम और आगे बढ़े आजम खान, गाजियाबाद की मसूरी में रैली में समर्थकों से कहा चुनाव में लेना इंतकाम। इलाके के नाम पर, जात और जात के नाम पर जिसने तुम्हारा घर जलाया है, जिसने तुम्हारे बुजुर्गों और तुम्हारे जवानों की जाने ली है, जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को तेजाब पे गलाया है, अगर इस वक्त भी उनसे इंतकाम नहीं लोगे तो हमसे और तुमसे बड़ा बेगैरत इस जमीन पर कोई पैदा नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला ने अल्पसंख्यक आयोग से की आजम की शिकायत, भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई करने की मांग। पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने की आजम के बयान की निंदा, कहा जाति या मजहब के लोगों ने नहीं, हिंदुस्तानियों ने जीता था करगिल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आजम के बयान की निंदा की, कहा होनी चाहिए कार्रवाई। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी पर मुलायम का हमला, कहा अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाना था गलत, मुलायम सिंह ने अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान, ये लोकतंत्र का नाश कर देंगे। ये दुर्भाग्य है कि अमित शाह जैसे लोग राजनीति में हैं, ये दुर्भाग्य है कि अमित शाह जैसे लोग राजनीति में हैं। चुनावी मौसम एक और विवादित बयान, जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद ने कहा सत्ता में आए मोदी तो बच जाएगा देश। नया अकलियत को कौन रख लेगा, अकलियतें रह जाएंगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपके बोडोलैंड भी उसी तरह से, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, कौन माई का लाल हिंदू स्टेट बन जाए और ये स्टेट रह जाएंगे, मुल्क तकसीम हो। अमरोहा में योग शिविर को लेकर बाबा रामदेव पर गिरी गाज, आयोजकों के खिलाफ धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज। रामदेव को आज के योग शिविर की नहीं मिली परमिशन, योग शिविर का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप, योग शिविर में बाबा रामदेव ने अमित शाह के बयान को दोहराया था। बवाल हो गया, अरे 5 साल में एक ही तो बार हमारे बदले का मुकाता, अब बदला भी लाना है, अब बदला भी लेना है और बदलाव भी लाना है और हिंदुस्तान को बचाना है और आगे बढ़ाना, ये संकल्प आपको। अमित शाह के भड़काऊ भाषण पर बीजेपी ने दिया चुनाव आयोग को जवाब, कहा बदले का मतलब बदलाव से था। मोदी को लेकर गरम हुए पीडीपी के तेवर, महबूबा मुफ्ती ने कहा 2002 दंगों के लिए माफी मांगे मोदी। राज ठाकरे के समर्थन को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक, साथ आना है तो गठबंधन में शामिल हो वरना ऐसे वादों का क्या मतलब। अजीत सिंह की बागपत रैली के दौरान लाठीचार्ज, हेलीकॉप्टर उतरने के वक्त अफरा तफरी।
नॉर्थ ईस्ट के चार राज्यों में आज चुनाव, 6 सीटों में डाले जा रहे हैं वोट। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की 2-2 सीटों पर हो रही है वोटिंग। नागालैंड और मणिपुर की 1-1 सीटों पर चुनाव। अरुणाचल में लोकसभा के अलावा विधानसभा के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 60 में से 49 सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। बिजनौर से आरएलडी उम्मीदवार जयाप्रदा की गाड़ी पर पथराव। गाड़ी से बाहर थी जयाप्रदा, समर्थक के घर गई थी खाना खाने। नॉनसेंस क्लब की सरिता भट्टी ने बनाई नोटा पार्टी। घोटाले के दागी सभी नेताओं को पार्टी में शामिल होने का दिया न्योता। हाथों में नोट लेकर एक जिंगल भी गाया, बांटो और राज करो है पार्टी का नारा। दिल्ली में फिर केजरीवाल पर हमला। बाहरी दिल्ली इलाके में रोड शो के दौरान ऑटो चालक ने मारा थप्पड़। थप्पड़ लगने के बाद केजरीवाल राजघाट में धरने पर बैठे। काफी देर तक मौन रहे केजरीवाल। प्रश्न मन में उठता है कि ये जितने अटैक हुए इनका मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है या अलग अलग है? वो क्यों करवा रहे हैं? उनका मकसद क्या है? उनको क्या हासिल होगा उससे? केजरीवाल का तमाशा चढ़ने वाले का नाम लाली। लाली का आरोप, ऑटो वालों को बनाया गया बेवकूफ। करोड़ दिल्ली में आया, 10 रुपए चंदा के हिसाब से लगा लो, 15 करोड़ पैसे इकट्ठा कर लिया और लोगों का 10-10 हजार 20 हजार से चंदा दिया। भारत माँ को भी बेचा, झूठ बोला। सोनिया गांधी ने अमेरिकी अदालत को पासपोर्ट की कॉपी देने से किया इनकार। सुरक्षा और निजता का दिया हवाला। 1984 सिख दंगों के केस में अमेरिकी कोर्ट ने मांगी थी पासपोर्ट की कॉपी। सहारनपुर में बाल बाल बचे यूपी के मंत्री आशु मलिक। जमीन पर गिरा उनका हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी आने पर पायलट उतार रहा था नीचे, लेकिन अचानक इंजन बंद होने से जमीन पर गिरा हेलीकॉप्टर। मुजफ्फरनगर के बाद रामपुर पहुंची आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस। चुनाव में जनता का मूड जानने की कोशिश। देश भर में घूमेगी आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस। पूरे चुनाव 42 दिनों तक कवर करेगी सियासी संग्राम। करीब 15 दिन की माता बच्ची के बाद कांग्रेस ने किया मोदी के खिलाफ कैंडिडेट का ऐलान। विधायक अजय राय वाराणसी लड़ेंगे चुनाव। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लगी मोहर। बीजेपी को झटका। खुर्जा से 4 बार सांसद रहे अशोक प्रधान समाजवादी पार्टी में शामिल। 46 साल तक बीजेपी में रहे थे अशोक प्रधान। मुलायम ने पार्टी महासचिव का दिया पद। एक और कांग्रेस विधायक ने छोड़ी पार्टी। मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी बीजेपी में हुए शामिल। हफ्ते भर में 3 विधायक छोड़ चुके हैं कांग्रेस का साथ। चुनाव आयोग के आदेश के आगे झुकना पड़ा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को। ममता बनर्जी 7 अधिकारियों के तबादले के लिए तैयार। मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर बेनी प्रसाद वर्मा पर गोंडा में केस दर्ज। डीआईजी ने कहा कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। बागपत में हेमा मालिनी के नहीं आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा। कुर्सियां तोड़कर किया हंगामा। महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में ईवीएम मशीनों की जांच के दौरान गड़बड़ी का खुलासा। ईवीएम मशीन में कोई भी बटन दबाओ तो प्रफुल्ल पटेल के चुनाव चिन्ह घड़ी पर लगती थी मोहर।
उत्तराखंड के देवप्रयाग में रामदेव के कार्यक्रम में हादसा। एमएससी की छात्रा नदी में डूबी। रामदेव के आश्रम के भूमि पूजन के मौके पर पतंजलि से गया था छात्रों का ग्रुप। सत्ता में आने से पहले जिसे बताया था सबसे बड़ा घोटाला वसुंधरा राजे ने सत्ता में आते ही उसे दी क्लीन चिट। गहलोत सरकार पर लगाया था आरोप। जिंदा समूह को खान देने में हुआ है 3.5 लाख करोड़ का घोटाला। बिहार के रोहतास में सैन्य जवानों का कॉम्बिंग ऑपरेशन। नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने चलाई मुहिम। औरंगाबाद में सीआरपीएफ जवानों के हमले के बाद जवानों ने शुरू किया कॉम्बिंग ऑपरेशन। भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या 10 करोड़ के पार। अमेरिका के बाद भारत ने सबसे ज्यादा किया लाइक। एक महीने में 10 करोड़ भारतीय फेसबुक पर हैं सक्रिय। 8 करोड़ 40 लाख लोग मोबाइल के जरिए फेसबुक से जुड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाए जाने के बावजूद कम नहीं हुई श्रीनिवासन की हैसियत। आईसीसी की बोर्ड बैठक में ले सकते हैं हिस्सा। दुबई में होनी है बैठक। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को आईपीएल के अंतरिम अध्यक्ष गावस्कर का जवाब। सुंदर रामन के खिलाफ जुटाई जा रही है जानकारी। मीडिया से बात करने पर पीसीबी ने शाहिद अफरीदी को भेजा नोटिस। कप्तान या टीम अधिकारी को ही बोलने की थी इजाजत। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर एक फार्मेसी स्टोर में घुसने की तस्वीरें हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। अमेरिका में हुआ हादसा। बाल बाल बची 80 साल की बुजुर्ग महिला। इराक में फिदायीन हमला। 2 पुलिस वाले और करीब 16 नागरिकों की हुई मौत। बगदाद में पुलिस चेक पॉइंट पर हुआ हमला। बोलिविया में दुनिया की सबसे लंबी केबल कार की हुई शुरुआत। समुद्र स्तर से 4050 मीटर ऊंचाई पर लोगों ने लिया सवारी का मजा।